हेलो दोस्तों दोस्तों, इस बिजी की सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे हमें बिजी को डाउनलोड करना है, कैसे हमें उसको इंस्टॉल करना है, कैसे हम उसमें परचेज एंट्री, सेल एंट्री, आइटम, पार्टी आउटस्टैंडिंग, उसके बाद प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, जीएसटी, जीएसटी रिपोर्ट्स। तो ऑलमोस्ट हम वो सारी चीज़ सीखने वाले हैं जो एक बिजनेस में ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस सीरीज में बने रहते हैं, जिसमें आपको रोज़ एक वीडियोज़ मिलेगी Day 1, Day 2 के नाम से, जो आपको सीखना चाहिए कि Day 1 क्या सीखना चाहिए, Day 2 क्या सीखना चाहिए, Day 3 में क्या सीखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ आपको इसमें मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड किसी अकाउंटिंग फील्ड से होना चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, अगर आप इस चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं, तो आप किसी भी बिजनेस में काम कर सकते हैं। क्योंकि हर एक बिजनेस में एक ही मोटिव होता है कि आप उनकी इन्वेंट्री को, उनकी अकाउंटिंग को, उनके सारे बैलेंसेस को, प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करके रखें। और इस सीरीज के साथ आप बने रहें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और जो Day 1 है, Day 1 में हम ये सीखेंगे कि कैसे हमें बिजी को डाउनलोड करना है, कैसे हमें उसको इंस्टॉल करना है, ताकि हम प्रैक्टिस भी कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा। और इसका जो है कम से कम 7 डेज का, 1 महीने का ट्रायल होता है, तो आप जो है इजी वे में सारी एंट्री को करके देख सकते हैं। और दोस्तों, सॉफ्टवेयर अगर आपको बाय करना है या सॉफ्टवेयर की पेड सर्विसेज लेनी है, क्योंकि हमारी जो भी फ्री सर्विसेज है वो यूट्यूब के ऊपर अभी अवेलेबल है। अगर आपको कोई पेड सर्विस लेनी है, कोई कस्टमाइजेशन कराना है या सॉफ्टवेयर बाय करना है बीजी का, तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, Day 1 में हम यही समझेंगे कैसे हमें डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, आपको अपने गूगल क्रोम पे या आपको जो भी आपका एक्सप्लोर है, तो जो भी ब्राउजर इंटरनेट का, उस ब्राउजर को ओपन करेंगे और टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिजी सॉफ्टवेयर और एंटर कर देंगे। अब ये एंटर करते ही सबसे पहला पेज, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ऑफिशियल पेज है बिजी का, bigi.in से। ये सबसे पहले पेज पे ही आपको क्या है, क्लिक करना है। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 डेज का ट्रायल होता है इसके अंदर। अब जैसे कि जो Day 1, Day 2 ऐसे आप जो सीखेंगे, तो मैक्सिमम 25 डेज में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कैसे बिल्स बनते हैं, कैसे लेजर मेंटेन्स होते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे सारे अकाउंट ग्रुप। तो ये सारी चीजें आपको जो है 25 डेज के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगी। और जो सॉफ्टवेयर का ट्रायल है वो 30 डेज का है, तो ऑलमोस्ट क्या है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कि अगर आपके पास कोई भी डेस्कटॉप लैपटॉप है, उसमें आप इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाय नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप बिजनेस के लिए चाहते हैं तो उसके लिए बाय करना पड़ेगा, तो दिए गए नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पहले पेज पे ही क्लिक करना है। और जैसे ही पहले पेज पे हम क्लिक करेंगे, तो ये बिजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कोई और वेबसाइट है, बिजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। कैसे पता लगाएंगे, देखो ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा है bigi.in। तो अब हमें जाना है रिसोर्स में और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, और देखिए जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड 21 करके, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही मैं इस डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। और अब हम चेक करते हैं, ये देखिए डाउनलोड हमारा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब हमें कैसे इंस्टॉल करना है, अब देखिए ये आपका या तो एक्सप्लोरर में ओपन होगा जिप फाइल, या फिर विनरार में ओपन होगा। आपको दोनों केस में क्या है, डबल क्लिक सिंपल क्लिक करना है और ये फिर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपके सामने ये शो हो गया। अगर विनरार नहीं है तो एक्सप्लोरर आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा, और अगर एक्सप्लोरर भी नहीं है तो आप विनरार डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है कि विनरार कैसे डाउनलोड करते हैं, तो मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। तो अब यहाँ पे जो ये सेटअप है, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। अब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, तो ये अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, मोर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा इसके लिए, क्योंकि अभी रन एनीवे का ऑप्शन आया नहीं है। देखिए यहाँ पे डोंट रन आ रहा है, हमें क्या है, मोर इन्फो वाले पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए अब नीचे रन एनीवे का ऑप्शन आ गया, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। और इस पे क्लिक करने के बाद अब मेरे सामने जो है इंस्टॉलेशन का एक विंडो ओपन होगा। तो उससे पहले क्या है, ये आपके सारे ड्राइवर्स को, सारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस को कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद ये आपके जो भी कंप्यूटिंग स्पेस हो, जैसे जो ड्राइव में चाहिए होता है, उसको ये काउंट कर रहा है। तो हमारी सारी चीजें कंप्लीट है, ऑलमोस्ट 300-400 MB फ्री स्पेस चाहिए होता है। और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद
तब आपको यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक करना होगा, आई एक्सेप्ट वाले पे। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, फिर से हम नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए ये बता रहा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे जाएगा सी ड्राइव में, बिजी विन के फोल्डर में। आप इसको चाहें तो डी ड्राइव में कर सकते हैं, या चाहें अपने हिसाब से कुछ नाम चेंज करना है तो यहाँ पे एक बटन से चेंज करने का, इस पे क्लिक करके कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये बिजी 21 है तो बिजी विन 21 के नाम से सेव हो, तो मैंने इस पे क्लिक किया। और यहाँ पे स्लैश से पहले, ये भी ध्यान रखें आप, स्लैश से पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना करें आप। आपको अगर अपने फोल्डर में कुछ भी लिखना है तो आप इस दोनों स्लैश जो आप देख रहे हैं इसके बीचों बीच में आप लिख सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको एक एडिशनल ऑप्शन बता रहा हूँ, आप सीधा सीधा नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आप कोई अपनी चॉइसिंग चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक इस फोल्डर के नाम से जाए तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, आप सीधा सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में ऑप्शन है इंस्टॉल का, और इंस्टॉल पे क्लिक करके हमें इंस्टॉल पे वो कर देना है। अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, कुछ ही सेकंड लगेंगे और कुछ ही सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। और अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे और चेक करते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए हमारा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे 21। तो अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए, और जैसे ही हमने डबल क्लिक करके ओपन किया तो ये आपको बता रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है आपका ये डेमो मोड पे है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमने इसको ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद जो है आपका ये कंप्लीट हो गया है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो डे वन में आपको यही समझना है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कंपनी को कैसे क्रिएट करना है ताकि फिर हम आगे स्टेप जो है ले सके आगे के डेज के लिए। तो इसमें आपको यही करना है जो आपने अभी इसमें सीखा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें कैसे कंपनी बनानी है, कैसे उसमें आपको आइटम्स क्रिएट करने हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या पेड सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।